तो यार गाइस आ चुके एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो लेकर वापस। अभी यार इस वाली वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि कैसे वाइटी स्टूडियो जो भी है उसे कैसे यूज़ करा जाता है। अभी यहाँ देखो वाइटी स्टूडियो है, उसे भी खोल लेता हूँ। तो इसके बारे में बात करने वाला है, एनालिटिक्स क्या है, मतलब इसके पूरा टोटली जानकारी देने वाला हूँ इसके बारे में। तो बने रहे, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो बिना देर के लेट्स बिगिन। तो यार ये सबको पता ही होगा कि जो भी आप यूट्यूबर रहोगे तो इसे यूज़ करना आपको मेन होता है, मेन मकसद। अभी जो भी यूट्यूब डालते हो, थंबनेल सब कुछ अपलोड कर सकते हो इसी से, वाइटी स्टूडियो से। और इसी से आप एडिटिंग, डिस्क्रिप्शन, टैग सब कुछ लगा सकते हो इसी से। तो आज की ये बात कर लेते हैं एनालिटिक्स की, जो कि व्यू मोर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये ही मेन पार्ट है, जो कि एनालिटिक्स के नीचे वॉच टाइम, मिनट्स, व्यू, सब्सक्राइब, चेंज, ये सब हम बात कर लेते हैं। तो व्यू मोर पर दबाने के बाद गाइस रियल टाइम व्यूज आता है। रियल टाइम व्यूज कैसे, मतलब क्या है रियल टाइम व्यूज, पता नहीं चलता कि व्यूज़ और रियल टाइम व्यूज़ का मकसद क्या है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ टाइमिंग्स, जो भी लाइफ टाइम की है वो चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे टू मतलब थोड़ा सा थ्री है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा लाइफ टाइम का इतना हो चुका है, अप्रैल से लेकर मई तक 267 हो चुका है मेरा रियल टाइम वॉच कंप्लीट, मतलब 3 आवर्स कंप्लीट होने वाला है जल्दी से। तो यहाँ पर इसके बाद गाइस व्यूज़ जो है वो व्यूज़ काउंट करता है, जो कि अभी आप 1 सेकंड में नहीं देखे तो वो व्यूज़ के ऊपर चला जाता है। 267 मतलब इतना ही समझ लीजिए, 267 और 267 आए हैं, मतलब ज़्यादा लोग देखे नहीं मेरे इसे, एक एक मिनट ही देखे हैं। तो इस तरह से पूरी देख रहे नहीं, कोई भी पूरी देखा ही नहीं, तो इसलिए 267 267 रियल टाइम व्यूज़, और व्यूज़ भी 267 आए हैं लाइफ टाइम के। तो यहाँ पर आप मेन बात 1 1 मिनट या तो फिर चुप ऐसे ही क्लिक कर दिया तो वो रियल टाइम व्यूज़ पर नहीं जाएगा, व्यूज़ पर जाएगा। रियल टाइम व्यूज़ क्या होता है, मतलब कोई देखता है तो रियल टाइम पर, 1 मिनट भी देखता है तो रियल टाइम व्यूज़ पर जाता है। अभी इसके बाद गाइस आ जाते हैं रियल टाइम लास्ट पब्लिश वीडियोस, मतलब ये लास्ट पब्लिश वीडियोस की रियल टाइम बताता है। मतलब अभी 5 लोग देखे हैं पिछली वाली वीडियो पर, उससे पहले की 2 रोज की पहले की वीडियो पर 2 लोग देखे हैं, मतलब 2 लोग देखे हैं उसके आज देखे हैं 2 लोग, उससे पहले 10 लोग देख चुके हैं इस वाली वीडियो को, तो इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद गाइस वॉच टाइम मिनट्स आता है। वॉच टाइम मिनट्स मेन है, क्योंकि वॉच टाइम मिनट 60 मिनट्स को 1 1 आवर होता है, तो मेरा 204 हो चुका है वॉच टाइम, तो लगभग 3 3 आवर्स हो चुका है मेरा। तो इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर वॉच टाइम देख सकते हो कि लाइफ टाइम, मतलब हर चीज़ में भी आपको ऐसी टाइमिंग्स मिल जाती है कि रियल टाइम और जनवरी फरवरी जब भी आपका देखना वीडियो का, आप कितने रैंक कर रहे हो और कौन सी वीडियो पॉपुलर कितने में हुई है तो आप देख सकते हो। तो इसके बाद गाइस मेरे यहाँ पर अच्छे खासे आए हैं, तो वॉच टाइम अच्छा खासा आया है पर ठीक है। तो इसके बाद गाइस एवरेज व्यू ड्यूरेशन मेरा लास्ट 28 डेज़ में मेरा 44 सेकेंड्स चलाया गया है उतना ही, और इसके बाद प्रीवियस वीडियो जो भी है मेरी उसमें 49 सेकेंड्स चलाया है, जब लगभग की 11 मिनट की थी और 40 सेकेंड्स ही देखा गया है। तो इसके बाद गाइस सब्सक्राइबर्स काउंट होते हैं कि कितने लास्ट 28 डेज़ में कितने आए हैं, और 1 महीने में या तो फिर लाइफ टाइम पे करना चाहते हो लाइफ टाइम पे कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद लाइक एंड डिसलाइक काउंट होते हैं। डिसलाइक लाइक का मतलब है जो कोई भी वीडियो आती है उसमें लाइक्स कितने बढ़ रहे हैं, डिसलाइक कितने हैं, अगर डिसलाइक कर दिया तो ये 99% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, वैसे अनकाउंट होता है। तो यहाँ पर कई टॉप वीडियोज़ भी आपके मिल जाते हैं, टॉप वीडियोज़ मेरी थी ऑटो एडिट वीडियो इन प्रोफेशनल वे, जो कि 31 लोग देख चुके थे, अब तक की मेरी टॉपेस्ट वीडियो है, आप देख ही सकते हो कि आप भी ऐसे देख सकते हो वॉच टाइम का, मतलब टॉप वीडियोस वॉच टाइम मिनट्स। तो इसके बाद गाइस इंप्रेशन बहुत मेन है यहाँ पर, इंप्रेशन जताने के लिए 1903, अगर से लो हो चुका है, लो हो रहा है तो गाइस थोड़ा सा आपको कंटेंट बढ़ाना चाहिए, आपको थोड़ा सा लेवल पर लाना चाहिए, आप ग्रो नहीं हो रहे, लेस हो रहे हो आप, तो
हो इस तरह से। आप इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, रेट भी आप चेक कर सकते हो कैसे चल रहा है आप आजकल, तो मेरा वीडियोस कैसे चल रहे हैं। वैसे आप मेरे 9.6% अच्छी तरह से चल रहा है, तो 100% होनी चाहिए। 100% मतलब बहुत ही पॉपुलर वीडियोज डालते हैं ना, उनको 100% मिल जाती है क्लिक रेट। इसके बाद गाइस आपके यहाँ पर अब मेन बात आती है ट्रैफिक सोर्स टाइप्स। ट्रैफिक सोर्स टाइप ऐसी चीज़ है गाइस कि आपको बता देगी नोटिफिकेशन, चैनल पेजेस, फ्यूचर, अदर अननोन, डायरेक्ट और अननोन, सजेस्टेड। अभी यहाँ पर मैं एक एक करके बताता हूँ ये क्या है, मतलब कई लोगों को पता नहीं रहता ट्रैफिक सोर्स टाइप्स क्या है। ये नोटिफिकेशन मतलब नोटिफिकेशन जो सब्सक्राइब करके रहता ना वो लोग को वीडियो जा रही है, 52% मेरी ये वीडियो भी है वो जा रही है ट्रैफिक सोर्स, उससे से ज़्यादा उससे उसे नोटिफिकेशंस में लोग देख रहे हैं। चैनल पेजेस मतलब इंस्टाग्राम ब्राउज़र से या तो फिर कोई और मतलब उससे देख रहे हैं। चैनल पेजेस मतलब लिंक डालते हैं ना, उससे लिंक से दबाकर चैनल पेजेस पर आते हैं, मतलब यूट्यूब पर देखने के लिए वीडियोस आते हैं। अभी लिंक कोई दे रहे हो या तो फिर इंस्टाग्राम लिंक डाल रहे हो या तो फिर व्हाट्सएप से भेज रहे हो, तो उसी से आपका जो भी है 34.3% आया है मेरे जो भी लिंक शेयर किया है मैंने। इसके बाद गाइस ब्राउज फीचर, ब्राउज फीचर इसी चीज़ है कि ब्राउज़र से मतलब गूगल पर सर्च कर रहे हो या तो फिर अच्छी तरह से ऐसे सर्च करते हो तो वहाँ पर आ जाती है ना वीडियो, तो आपकी वैसे आ रही है ब्राउज फीचर से आती है। अन डायरेक्ट और अन मतलब कोई भी जो वीडियो है आपके चैनल के पेज पर आ जाती है, मतलब अभी देख सकते हो आप यूट्यूब ऑन करते हो, यूट्यूब ऑन करने के बाद आपको फर्स्ट वीडियो दिखती है वही अननोन और डायरेक्ट दिखाती है। यूट्यूब सर्च मतलब यूट्यूब से कोई भी सर्च कर रहा है या नहीं, वैसे यूट्यूब सर्च मतलब यूट्यूब से सर्च करके आपकी वीडियो मिल रही है तो देखा है, तो 1.4% मतलब कितने परसेंट चढ़ता है वो देख लेना। तो एक्सटर्नल मतलब आपको पता ही चल चुका है कि इंस्टाग्राम, वही इंस्टाग्राम से देखते हैं और कई लोग कोई भी रियो टीवी वगैरह वगैरह से आकर देखते हैं, तो चैनल पर उनकी एक्सटर्नल हो जाती है। सजेस्टेड वीडियोस मतलब कोई भी सजेस्ट करके मतलब नीचे अभी कोई चल रही है वीडियो चल रही है उसकी, उसके नीचे मेरे चैनल का वीडियो आ चुका है आप उसे दबाते हो तो सजेस्टेड वीडियोस आ जाती है। यहाँ पर प्लेलिस्ट पेज मतलब प्लेलिस्ट की वीडियोस कोई भी क्लिक करता है तो प्लेलिस्ट की पेज आ जाती है। तो गाइस जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं टॉप एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में। टॉप एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब वही इंस्टाग्राम, क्रिएटर स्टूडियो या तो फिर कोई और एक्सटर्नल से देख रहा है तो उसकी जो भी लिंक आप दे रहे हो तो वो टॉप एक्सटर्नल पर आ जाती है सोर्सेस। और टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स मतलब आपकी जो भी टॉप वीडियो सर्च हुई है वो यहाँ पर दिखा देगा, यूट्यूब से सर्च हुई है वो दिखा देगा। और यहाँ पर इसी के साथ बात कर लेते हैं टॉप वीडियो सजेस्टेड योर कंटेंट, मतलब जो भी टॉप वीडियो सजेस्टेड हुई है आपके, जो भी अभी मैंने कहा था कि वीडियो के नीचे मेरी वीडियो आ जाएगी तो वीडियो के नीचे सर्च करते हैं मतलब वीडियोस के नीचे, अभी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो उसके नीचे वीडियोस आती है ना वो सजेस्टेड वीडियोस मेरी, ओ टू डू लाइव स्ट्रीम ऑन वो आ चुकी है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद लाइक वीडियोस ये छोड़ो, तो इसके बाद गाइस ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब वही आपकी, ये सब मेन नहीं है अभी अभी फ़िलहाल। इन प्लेलिस्ट मतलब प्लेलिस्ट से वीडियो चलाई गई है तो भी दिखा देगा। एवरेज टाइम इन प्लेलिस्ट ये प्लेलिस्ट के बारे में है। इंटरेक्टिव कंटेंट, ऑडियंस डिस्कवरी ये सब छोड़ दो, इस मेन आती है ओवरव्यू और डिस्कवरी, इस पर ध्यान देना है आपको। तो गाइस आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर थ्री डॉट्स पर दबाने के बाद, थ्री लाइन से दबाने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर डैशबोर्ड है, वीडियोज, प्लेलिस्ट, कमेंट, एनालिटिक्स, एनालिटिक्स का बता दिया, कमेंट्स मतलब कमेंट्स कोई भी करता है तो आ जाती है। उसके बाद गाइस प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पर आप जाकर कोई भी प्लेलिस्ट डालते हो तो आ जाती है वीडियोस मतलब वीडियोस आ जाते हैं इस तरह से वीडियोस आ जाती हैं। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। डैशबोर्ड मतलब डैशबोर्ड जो भी आप फ्रंट पेज पर देखते हो वही डैशबोर्ड है गाइस, डैशबोर्ड इसी का मेन। तो यहाँ पर से आप सब्सक्राइबर देख सकते हो, टोटल वॉच कितने लोग देखे हैं, ये मतलब थ्री लाइन्स अप एंड डाउन गई ना तो ये लोग देखे हैं। तो आप ऐसे वीडियो पर दबाकर भी एनालिटिक्स इस वीडियो का भी चेक कर सकते हो, उसके नीचे कमेंट्स भी आ जाते हैं और लाइक्स देख सकते हो, कमेंट पढ़ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, व्यूज़ देख सकते हो। और इसी से पता चलता है कि कितना वॉच टाइम, सब कुछ इसी से चलता है।
2015 से पहले ऐसा नहीं था, वो लोग एक बुक में लिखा करते थे। अभी के टाइम में आया है ये, जो भी वर्टी स्टूडियो है ये काउंट करके सब कुछ बता देता है। तो गाइस आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना, और अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में बता देना। थोड़ा सा आप गलत कर रहे हो, ऐसा ट्रैक से हट रहे हो, तो मैं सही कंटेंट डाल दूंगा। तो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल टेक केयर एंड बाय बाय।